गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को जिसको भी इसकी ज़रूरत है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है जी। तो जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया है कि मैं आपके साथ आज क्या शेयर करने वाली हूँ, ठीक है, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं जब अपने हेयर पे मेहंदी अप्लाई करती हूँ और उसको कैसे तैयार करती हूँ, उसमें मैं कौन सा पानी यूज़ करती हूँ। हो सकता है कुछ लोग उसमें नॉर्मल पानी जो हम पीते हैं, जिसे हम यूज़ करते हैं, उसे यूज़ करते हो सकता है कुछ और रेमेडी बनाकर और पानी को तैयार कर यूज़ करते हो, ठीक है। तो मैं आज आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि मैं जब अपने हेयर पे मेहंदी को अप्लाई करती हूँ तो मैं उसको प्रिपेयर करने के लिए कौन से वाटर का इस्तेमाल करती हूँ। हाँ जी, मैं इसे घर में ही इस्तेमाल करती हूँ। आप सच मानिए गाइज, मैंने आज तक जो भी मेहंदी अपने हेयर पे अप्लाई की है, मैंने उसमें पानी की एक बूंद तक भी इस्तेमाल नहीं की है। मैं इसी वाले पानी को बनाती हूँ और अपनी मेहंदी का घोल तैयार करती हूँ और उससे अपने हेयर पे अप्लाई करती हूँ, ठीक है जी। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अगर आप इस वाला जो मैं आपको पानी बता रही हूँ तैयार करना, इस वाले पानी को इस्तेमाल करोगे तो आपके जो बालों का रंग है वो और भी ज़्यादा गहरा होगा, और भी ज़्यादा डार्क आएगा। और अगर आप इसे हफ्ते में एक बार यूज़ करोगे ना, तो आपके जो बाल हैं अगर वो ग्रे है, थोड़े थोड़े ग्रे है, थोड़े थोड़े सफ़ेद है, तो अगर आप इसे कंटिन्यू यूज़ करोगे तो आपके जो बालों का कलर है वो डार्क में कन्वर्ट होना पक्का है। ये मैं आपको शॉर्टी के साथ बता रही हूँ, लेकिन शर्त क्या है कि आपको इसे कंटिन्यूसली यूज़ करना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 महीने छोड़ दिया उसको, उसके बाद अप्लाई कर लिया तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ठीक है। किसी भी काम को अगर हम लगातार करते हैं तो ही उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है हमें, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है, बहुत ही सिंपल रेमेडी है। इसमें जो भी इन्ग्रीडियंट है आपको अपने घर पर ही अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है जी। मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से इंग्रेडिएंट है। सबसे पहले तो हमें चाय पत्ती चाहिए, चाय पत्ती हर किसी के घर में है, ठीक है जी। और दूसरा हमें चाहिए लौंग, हमें सिर्फ ये 2 इंग्रेडिएंट ही चाहिए, ठीक है। और इसे प्रिपेयर करना भी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है जी। तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, देख लेते हैं कि इसे कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले मैंने देखो एक बर्तन में 2 ग्लास पानी लिए हैं, मैंने अपने हेयर के अकॉर्डिंग पानी लिया है, ठीक है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। मेरे हेयर लॉन्ग है तो इसलिए मैंने 2 ग्लास लिया है पानी। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ चाय पत्ती के 2 चम्मच। हाँ जी, आपको चाय पत्ती के 2 चम्मच डालने हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया मैं अपने हेयर के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, ठीक है। और हमें चाहिए लॉन्ग, मैं यहाँ पे तकरीबन 10 लॉन्ग ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। मैं पानी ज़्यादा प्रिपेयर करती हूँ क्योंकि अगर पानी कम रह जाए तो मैं उसमें पानी नहीं मिलाऊंगी, इसलिए मैं ज़्यादा ही प्रिपेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो आप देखिए अच्छी तरह से इसे उबालना है, जैसा कि उबाल आ रहा है, ठीक है। 2 कप का, जब 2 ग्लास का थोड़ा सा कम हो जाए, 1.5 ग्लास नहीं बोल रही हूँ, जब थोड़ा सा कम हो जाए तब तक हम इसे उबाल, तो आप देखिए अच्छी तरह से उबाल आने देना है, ठीक है, ताकि जो भी इसके गुण हैं चाय पत्ती के और लौंग के वो आपके पानी में आ जाए, ठीक है। इसलिए हमें इसे अच्छी तरह से उबालना है। मैंने बोला था ना 2 ग्लास डाले हैं तो थोड़ा सा कम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसे अच्छी तरह से उबालना है, आपको कम से कम 10 मिनट या 15 भी लग सकते हैं। अभी देखिए मेरा पूरी तरह से पानी हो गया है सेट, जितना मुझे चाहिए था उतना मिल गया है। अब मैं इसे ठंडा होने के बाद मेहंदी में यूज़ कर लूँगी, ठीक है जी। तो गाइज आपने देखी है कि इस रेमेडी को बनाना कितना आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब प्लीज़ इसे 1-2 बार यूज़ कर देखो, आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा मिलेगा। मैं आपको प्रेफर करती हूँ कि आप इसी वाला पानी का इस्तेमाल कीजिए अगर आप अपने हेयर के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि हेयर पे अगर वो ऑरेंज ऑरेंज सा कलर छोड़ देती है मेहंदी तो अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बालों पर या तो ब्राउन कलर अच्छा लगता है या फिर ब्लैक अच्छा लगता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसे यूज़ कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जिसको भी इसकी ज़रूरत है शेयर कीजिए। तो मैं आपको एक बात और बताती हूँ, आप प्लीज़ जब भी मेहंदी अपने हेयर पे अप्लाई करते हो ना, तो उसमें प्लीज़ पानी का इस्तेमाल ना कीजिए, ठीक है। मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर हम अकेले पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो बालों पे ना वो सिर्फ मेहंदी का ही कलर आएगा, और मतलब वो डार्क भी नहीं होगा इतना, ठीक है। मेहंदी का अगर आप के सफ़ेद बाल है उस पर आपने अकेली मेहंदी अप्लाई किया है, ये वाला पानी नहीं इस्तेमाल किया, तो आपके जो बाल है ना वो ऑरेंज शेड में आएंगे, जो कि अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको प्रेफर करती हूँ कि आप इस वाले पानी को यूज़ कीजिए, यूज़ कर देखिए, बहुत ही अच्छा कलर आता है, ठीक है। तो आज वाली वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, ठीक है।
और जिसको भी इसकी ज़रूरत है उसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।